संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते फिरोजपुर दे कस्बा जीरा विच किसानां वल्लों कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस मौके जानकारी दिंदे किसान आगू बलदेव सिंह ने दस्या कि पुलवामा हमले विच शहीद होए नौजवान ते दिल्ली विच लगे किसान मोर्चे विच शहीद होए बुजुर्गां अते नौजवानां नूं श्रद्धांजलि देण लई इह कैंडल मार्च कढ़िया गया। यह कैंडल मार्च किसानां मजदूरां दुकानदार ते हर वर्ग दे लोकां वल्लों कढ़िया गया। मेरा नाम जी बलदेव सिंह जीरा सूबा जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। अज असीं इह जीरे शहर दे विच संयुक्त किसान मोर्चे के दिशा निर्देशों अनुसार जिहड़ा प्रोग्राम तय किया सी अज असीं कैंडल मार्च कर रहे हैं क्योंकि पुलवामा के शहीदों ते जिहड़े किसान मोर्चे के पौने 200 के करीब जिहड़े साडे साथी शहीद होए आ उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते अज असीं इह कैंडल मार्च कर रहे हैं। सो असीं इह समझदे हां वी चाहे सरहदां होण चाहे धरने होण हमेशा साढ़े किसानां मजदूरों के किरतियां के पोत ही मौत का खाजा बनते हैं चाहे वह फौज भी साढ़े किसानां मजदूरों के पुत आ तो धरने के भी साढ़े किसानां मजदूरों के पुत आम लोग बैठे आ। सो उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण ते एक जिहड़ा साडा अंदोलन चल रहा वा असीं दिल्ली घेर के बैठे हुए हैं उन्हूं मजबूत होर मजबूत तिखा करन वास्ते अज असीं इह सारा जिहड़ा कैंडल मार्च कीता वा। जो 14 फरवरी संयुक्त मोर्चे वालों सद्दा दिता गया जी उस दे तहत अज जो जीरा शहर के एक कैंडल मार्च कढ़िया गया है। किसी टाइम सरकार ने जो नारा दिता सी जय जवान ते जय किसान हुण दी मोदी मौजूदा जिहड़ी गौरमेंट है वह जवान ते जिहड़ा हैगा किसान उन्हां दे नाल ही जिहड़ा हैगा सियासत कर रही है। अज जो कैंडल मार्च दे विच शामिल होए साडे साथियां ने इस गल दा सबूत दिता है कि मोदी सरकार नूं जवानां ते किसानां दी राखी लई गलबात करन लई अगे आउणा चाहीदा है ते जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं हुंदे उन्हां तर इसे तरह चढ़दी कला दे नाल इह संघर्ष जारी रहूगा। संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़ा प्रोग्राम दिता गया सी कि 14 फरवरी नूं कैंडल मार्च कढ़िया जाणा है जिहड़ा असी पुलवामा दे शहीदां नूं ते जिहड़े 200 दे करीब किसानां दीआं शहादतां होईआं उहनां नूं समर्पित अज जीरा शहर दे विच कैंडल मार्च कढ़िया जिहदे विच तुसीं देखिआ है कि सैकड़ां दी गिणती दे विच इलाका निवासियां ने शहर निवासियां ने शमूलीयत कीती है। सो लोकां दा ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ इस देश में कोई सरकार नहीं चला सकती। सो अज सरकार नूं जागना चाहिए अपनी नींद तो बाहर उठना चाहिए तो वेखना चाहिए है कि जिथे लखां दी गिनती दे विच किसान अज दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते लगातार पिछले 2.5 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं तो वख वख समयां दौरान तकरीबन हर रोज़ 2 जिहड़ियां है वह एक तरह नाल शहादतां साडे किसानां दीआं हो रही है। सरकार नूं अज इह सारा कुछ वेखण दी लोड़ है समझण दी लोड़ है ते असीं मंग करदे हां कि तुरंत इह काले कानून जिहड़े आ जिहड़े किसानां दी मौत दा वारंट ने उन्हां नूं रद्द करना चाहिए है। इस लड़ाई दे विच असीं सारे किसान मजदूर मुलाजम दुकानदार सारे असीं इक हाँ। सो अज इह सुनेहा असीं सेंटर दी सरकार नूं देण वास्ते आए हाँ। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस तरह इस्तेमाल करो सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक के इलाज कर सकता है फीर रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फीर रिलीफ वाले दस्या मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुम सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लिफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा